हेलो गाइस, मैं दीपिका हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, बीइंग मम्मी चैनल में। गाइस, आज है ना हमारी एनिवर्सरी है। तो आज, जैसा कि आप जानते हैं, एनिवर्सरी मतलब कितना हैप्पी होता है, कितना खुशी का टाइम होता है ना। तो हर खुशी में ना भगवान जी का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने हमारे घर वाले भगवान जी का तो आशीर्वाद ले लिया है, मतलब माँ बाबू जी का। अब सोचा क्यों ना पापा का भी आशीर्वाद ले लिया जाए। तो इसलिए है ना, हम लोग जहाँ रहते हैं ना ग्लोबल सिटी, वहाँ पर हमारे प्यारे पापा का गणेश जी का मंदिर है। तो सोचा क्यों ना वहाँ पे भी चले जाएँ और दर्शन कर लें। तो आज आप इस ब्लॉग में देखने वाले हो हमारे प्यारे से ग्लोबल सिटी को और मेरे प्यारे पापा को। तो ज़रूर से कंटिन्यू रहिएगा। वैसे जैसे हम पूजा करने जाते हैं ना, तो पूजा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम फूल ले लें, मिठाई ले लें। तो अभी है ना हम वही ले रहे हैं यहाँ पर। तो फूल तो ले लिया है हमने, अब मिठाई लेना बाकी है। तो चलिए अब मिठाई ले लेते हैं। और अभी है ना हम लोग आए हुए हैं मिठाई लेने के लिए, गणपति पापा का फेवरेट लड्डू। गाइस, जहाँ मैं रहती हूँ ना ग्लोबल सिटी, ये ना बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ घर है। ये वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप लोगों को यहाँ का टूर चाहिए ना, तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर दिखाऊँगा। मुंबई में ना इतनी खूबसूरत जगह शायद ही कहीं होगा। मुझे ना यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ पर नेचर का भी खास ख्याल रखा गया है। आप देखोगे देखो रेलिंग्स, कितने प्यारे प्यारे पौधे लगे हैं ना। अभी यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, अदरवाइज़ क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी खूबसूरत जगह है, जन्नत है। और एक बात बताऊँ, हम ना लेट हैं, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ने ना लेट हैं, क्योंकि हम ना यहाँ पे फूल और मिठाइयाँ लेने लग गए थे। मम्मी और अद्विक है ना हमारा मंदिर में इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब पहले पहुंच गए हैं। अब देखते हैं, गुस्सा तो नहीं होते हैं ना, वैसे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या है। लग्जरियस लाइफ भी मिल जाती है। वैसे तो आप देख ही रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी खूबसूरत जो है बिल्डिंग्स है, मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है। ये है मंदिर और ये है इसका मेन एंट्रेंस, काफ़ी खूबसूरत है ना, बहुत ही सुंदर है। और गणेश जी तो मतलब माइंड ब्लोइंग है। चलिए अब अंदर चलते हैं और पापा का आशीर्वाद लेते हैं। आप लोग भी कंटिन्यू रहिए ताकि आप लोगों को भी आशीर्वाद मिल जाए। ये देखो अद्विक, देखो मैं पूछ गया, ये देखो बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर है। मैंने आपको बताया था ना कि मम्मी और अद्विक पहले मंदिर पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए तड़ा मम्मी वेट कर रही है, और मम्मी जो है बिल्कुल भी गुस्से में नहीं है, वैसे भी नहीं रहती है। चलो घर जल्दी डालो रोटेशन।
ये देखिए अद्विक है ना घंटी बजा रहे हैं। जल्दी मिशन कामयाब रहा। मैंने कहा था ना कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है, पापा भी काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी अच्छे हैं। कैसा लगा आप लोगों को दर्शन करके ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरी फैमिली को यहाँ आना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरा बेटा है ना, वो तो गणेश जी का बहुत बड़ा फ़ैन है, सुबह शाम जब भी देखो ना गणेश जी की आरती गाता रहता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो ऐसा लगता है ना जैसे कि अगर आपने पूजा नहीं किया, दर्शन नहीं किया ना, तो कुछ अच्छा नहीं है। तो इसलिए है ना मैं हमेशा ही मतलब हमारी फैमिली हमेशा ही जब भी कुछ अच्छा है, जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, या कोई तीज त्यौहार है, तो भी है ना हम लोग घर पे तो करते ही हैं सेलिब्रेट, लेकिन फिर भी है ना हम मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, हमें है ना बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको भी ये वीडियो है ना काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो। आज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चैनल पर न्यू हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं है ना इस तरह के ब्लॉग बनाने के लिए बहुत ही न्यू हूँ, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे बनाएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एनर्जी कम है या बात और अच्छे से करना चाहिए, प्लीज़ बताइएगा, मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और इसी तरह के ब्लॉग्स को देखने के लिए बिंग मम्मी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।